नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ताजनगरी आगरा पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया गया है मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 25,000 रुपये का इनामी बदमाश परमजीत उर्फ काके सरदार पर आगरा में दर्ज है 7 से अधिक मुकदमे। आगरा के इनामिया बदमाश के पास से एक तमंचा, एक कई कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में यह मुठभेड़ हुई है। तो जानिए DCP से क्या है पूरा मामला, किस प्रकार इनामिया बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और कैसे पुलिस ने इनामिया बदमाश को दर्द पहुंचा है। आज दिनांक 20/3/2024 को थाना हरिपर्वत के TP नगर क्षेत्र अंतर्गत एक डकैती का वांछित मुलजिम परमजीत उर्फ काके, जिसपे 25,000 का इनाम था, उसके मूवमेंट की सूचना मिली। पुलिस थाना हरिपर्वत टीम ने पिकेट लगाकर इस अभियुक्त को रोकने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त परमजीत उर्फ काके को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए SN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इस अभियुक्त के ऊपर 7 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी आगरा में पंजीकृत हैं। इनमें से 3 डकैती की घटनाएं इसने एक दिन में कारित की, एक रात में कारित की थी, जिसमें यह वांछित चल रहा था। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ राउंड्स और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की। थाना हरिपर्वत पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।